अस्सलाम वालेकुम, 5 क्लास का लेक्चर नंबर 47 है, यूनिट नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.4। क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 10 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रह गया था एक्सरसाइज का, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करके अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आर ट्रेन टेक्स 4 hours 45 minutes टू रीच लाहौर फ्रॉम रावलपिंडी। ठीक है, ट्रेन पे हमें कितना टाइम लगा है? 4 hours and 45 minutes। ठीक है, वाइल अ कार थ्रू मोटरवे टेक्स 3 hours and 50 minutes, यानी मोटरवे के थ्रू कार डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन उसने कितना टाइम लिया है? 3 hours and 50 minutes। ठीक है, लाहौर से रावलपिंडी ही कार भी जा रही है। फाइंड हाउ मच मोर टाइम डज द ट्रेन टेक टू रीच लाहौर। पूछ रहे हैं कि कितना टाइम ट्रेन ने ज़्यादा लिया है कार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ट्रेन टाइम मैंने लिखा हुआ है 4 hours and 45 minutes। ठीक है, यहाँ पर है कार्स टाइम 3 hours and 50 minutes। ठीक है, अब हम इस टाइम में से इस टाइम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने मिनट ज़्यादा ट्रेन ने टाइम लिया। ठीक है, अब यहाँ पर है 4 hours and 45 minutes, 45 इज़ लेस दैन 50। ठीक है, 45 में से 50 माइनस नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे? कैरी लेंगे। कैरी जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर है आर्ट्स और यहाँ पर है मिनट्स। ठीक है, तो हम आर्ट्स को यहाँ पर कैरी नहीं ले सकते। क्या करेंगे कि यहाँ से 1 hour लेंगे हम, लेकिन इस 1 hour को कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में। ठीक है, 1 hour इज़ इक्वल टू 60 minutes, और इन मिनट्स के अंदर जो हमें गिवन है उसके अंदर ये 60 minutes ऐड कर देंगे। ठीक है, 45 + 60 इज़ इक्वल टू 105। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गए? 105। अब इस 105 में से हमने माइनस करना है 50 को। जब हम माइनस करेंगे 105 में से 50 को तो हमारे पास क्या आएगा? 55। अब यहाँ पर हमने एक घंटा तो इधर कैरी दे दिया था, बाकी हमारे पास कितने रह गए? 3 hours। ठीक है, इस 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0। ठीक है, मतलब हमने कितने मिनट्स लिए हैं? 55 minutes। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा आंसर, हमारी स्टेटमेंट क्या बन रही है। अ ट्रेन टेक्स 55 more minutes टू रीच लाहौर। कार की निस्बत उसने कितने टाइम ज़्यादा लिया? 55 more minutes। ठीक है,